दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नगर निगम के घड़ौली वार्ड की बीएसपी निगम पार्षद गुंजन चौधरी और उनके पति पूर्व निगम पार्षद संजय चौधरी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पटका पहना के उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पे कुंडली के विधायक कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पे संजय चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से प्रभावित होके उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में चौतरफा विकास किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। संजय चौधरी ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के दिल्ली में जो पार्टी काम कर रही है पब्लिक के हित के लिए, उससे प्रभावित होकर माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, आप लोगों के सभी से, सब लोगों का आशीर्वाद मिलकर मुझे बड़ा खुशी हो रही है। और मैं भी अपने पूरे सच्ची ईमानदारी से पार्टी में वर्कर के रूप में बहुत अच्छा कोशिश करूंगा कि सब लोगों का आशीर्वाद मिले। जैसे आप लोगों ने मुझे पहले भी दो दो बार निगम पार्षद बनाया है और आगे भी आप लोगों का, मनीष जी का, मेरे प्यारे विधायक कुलदीप जी का और यहाँ पे सभी आए हुए वीर सिंह प्रधान जी, जगपाल जी, जितने भी लोग आए हुए हैं मेरे RW के सारे प्रधान, जितना भी, मैं सबका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऐसे ही काम करूंगा जैसे आम पार्टी काम कर रही है, उसी विचारधारा पे मैं भी आगे बढ़कर काम करूंगा। आप सभी लोग आए यहाँ पे, सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से निगम में भी विकास के कार्य किए जाएंगे। दिल्ली दस्तक के लिए संजना सिंह के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि संजय भाई और उनकी टीम ने जो राजनीतिक अनुभव हासिल किया है पिछले 5 सदी के दौरान, उसको आगे लेके आएंगे, उससे पार्टी भी लाभान्वित होगी और पार्टी की इमेज से संजय भाई आगे लेके चलेंगे और उसी इमेज को बरकरार रखते हुए आगे हम दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी जीतेंगे। और इस बार दिल्ली नगर निगम में जब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करके दिखाया है, वैसे ही इस बार कूड़े पे काम करके।